गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 द मिनरल्स एंड पेज नंबर 59 नेचुरल गैसेस। इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम इन द सेडिमेंटरी बेड्स। तो ये कहाँ पर पेट्रोलियम जहाँ जहाँ पर सेडिमेंटरी बेड्स पे पाया जाता है उसके साथ ही नेचुरल गैस पाया जाता है। एज पेट्रोलियम प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग इन द ग्लोबल मार्केट एंड रिजर्व वेंट डिमिनिशिंग, नेचुरल गैस इमर्ज एज द बेटर ऑप्शन। पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो दिन के दिन बढ़ रहा है ग्लोबल मार्केट पे और इसको रिजर्व करने में भी बहुत जरूरत है। नेचुरल गैस बर्न्स विद लेस स्मोक एंड इन दस एंड इको फ्रेंडली फ्यूल। नेचुरल गैस जो है ये जो लेस स्मोक है और इसका जो फ्यूल है वो इको फ्रेंडली है। इट इज ऑल्सो ए चीपर फ्यूल। और ये जो फ्यूल के तरह ये जो हम यूज करते हैं ये थोड़ा चीप भी है अदर पेट्रोलियम कोल मिनरल ये सबसे। इट इज यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज एज वेल एज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये जो फ्यूल है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है। सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स नेचुरल गैसेस इन द वर्ल्ड यूएसए, रशिया, ईरान, सऊदी अरबिया। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मिनरल्स फ्यूल्स। In present times, efforts are being made of obtaining power from renewable sources such as running water. ये जो वर्तमान युग है इसमें ये बहुत ही renewable source है जो running water, sun rays, winds, atomic energy, ये सब natural जो product है इससे कुछ पाया जाता है। तो nevertheless, conventional energy sources such as coal एंड पेट्रोलियम स्टिल यूज ऑन ए लार्ज स्केल। ये कोल पेट्रोलियम तो अभी भी बहुत लार्ज स्केल से यूज होता है। दे आर लिमिटेड रिजर्व्स आर दे ग्रेजुअली डिविल्डिंग। उसका स्टॉक जो है लिमिटेड हो रहा है इसीलिए इसको रिजर्व करना बहुत जरूरी है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज सीरियस हार्म टू आवर एनवायरमेंट एज इट इंक्रीजेस कार्बन एमिशन दैट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। ये जो फॉसिल फ्यूल्स जब बर्निंग होता है ये सीरियस हार्मफुल है एनवायरमेंट में। जब ये जो कार्बन जब उसको इससे निकलता है ये बहुत ही इंक्रीज जब होता है तब बहुत ही ये हार्मफुल होता है एयर पॉल्यूशन के लिए। दिस इज टर्न कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट कॉजेज पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर टू मेल्ट। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये एयर पॉल्यूशन के थ्रू ही हो रहा है और इसके लिए पोलर आइस जो है और ग्लेशियर हिमबाह जो है वो गल रहा है। मेथड्स ऑफ माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग। दिस इज अ टाइप ऑफ सर्फेस माइनिंग दैट इज कैरिड आउट व्हेन मिनरल्स ऑकर क्लोज टू द सर्फेस। जब मिनरल्स सर्फेस के नजदीक आ जाता है तब ये माइनिंग होता है। द टॉप लेयर ऑफ द रॉक एंड सॉइल इज स्ट्रिप्ड। जो हमारा अर्थ सर्फेस का जो टॉप लेयर है वो स्ट्रिप कर जाता है एंड द मिनरल डिपोजिट इज माइंड बाय द स्ट्रिप माइनिंग और द ओपन पिट मेथड। और नीचे का जो मिनरल है डिपोजिट जो रहता है वो स्ट्रिप माइनिंग के जरिए ऊपर में आ जाता है। व्हाट इज सैक माइनिंग। दिस इज अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग कैरिड आउट यूजुअली फॉर मिनरल्स सच एज कोल व्हिच लाई ए ग्रेट डेप्थ बिलो द ग्राउंड। ए लॉन्ग वर्टिकल टनल और स्लैब डग टू ब्रिग आउट द मिनरल्स ऑफ द सर्फेस। ये जो हमारा जो अर्थ सर्फेस है इसका अंडरग्राउंड में ये मिनरल्स कोल ये सब मिनरल्स रहता है और डीप उसका बहुत ग्राउंड का बहुत डेप्थ में और एक लॉन्ग वर्टिकल टनल रहता है। तो उसमें जब स्ट्रैप्ड होता है और डग होता है उसके जब खोदता है तो तब उसके नीचे से मिनरल्स ऊपर आ जाता है। ये देखो ये जो पिक्चर है सरफेस माइनिंग इज दैट ओपन पिट मेथड ऑफ माइनिंग। यहाँ पे देखो यहाँ से पिट मेथड ऑफ माइनिंग होता है। एलोवियल माइनिंग। Sometimes minerals such as gold and tin may be mined by sifting through mud, sand, gravel and other deposit. ये जो mud, sand, gravel जो earth surface के ऊपर रहता है इससे sometimes ये mineral और such as gold, tin ये sift हो जाता है। A large amount of water is added to wash away the lighter particles while the heavier minerals are be left behind. इसके अंदर जब ये गोल्ड टीन ये सब रहता है तब बहुत सारा वाटर लगता है इसको वॉश आउट करने के लिए। दिस इज अ स्मॉल स्केल ऑपरेशन कॉल्ड एलुवियल माइनिंग। इसको हम कहते हैं एलुवियल माइनिंग। सो अप टू दिस थैंक यू।